एटा में बड़े धूमधाम से जुलूस-ए- गौसिया मनाया गया। जुलूस-ए- गौसिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की याद में मनाया जाता है। इस दिन जुलूस निकाला जाता है, जगह जगह मिठाइयां फल वितरण करे जाते हैं। जुलूस के समापन के बाद गुड्डू संदली साहब ने लंगर का इंतजाम सभी लोगों के लिए किया। एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। एटा मेरा नाम इंतज़ार अली फ्रॉम गुड्डू संदली। ये जुलूस ए गौसिया जो मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? ये पीरान पीर पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी, जैसे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के नबी हैं, सबके सरदार हैं, इसी तरीके से हमारे गौसे आजम सारे वलियों के सरदार हैं। ये जो जुलूस निकाला जा रहा है, कब से निकाला जा रहा है? ये तकरीबन एटा में तो हमें 6-7 साल निकल हुए हैं, बाकी और जगह सारी जगह नागपुर है, मुंबई है, बहुत सी जगह ये काफ़ी वर्षों से निकलता है। कहाँ से कहाँ तक निकाला जाता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है? एटा का तो हमारा दरगाह से शुरू होता है और दरगाह से हमारा गेट, हमारा गेट से कटरा मिल्ला चौराया और कटरा मिल्ला चौराहे से नन्नू मल चौराया मेहता पार्क होता हुआ वली मोहम्मद खुली गेट, किदवई नगर, किदवई नगर से वापसी में ये पटियाली गेट होता हुआ फिर मारा गेट पर रजा मेरी होम पर समाप्त होता है। इस जुलूस के जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। ये जुलूस ए गौसिया का जुलूस जो निकाला गया है, किसकी याद में निकाला गया है और कब से निकाला जा रहा है? एक्चुअल में ऐसा है कि ये बड़ा पाक दिन होता है मुसलमानों के लिए। ये हमारे रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल कादिर जीलानी साहब हैं, जो बगदाद शरीफ में बड़े पीर साहब के नाम से लोग इनको जानते हैं। ये वलियों के बली, पीरों के पीर हैं और इनकी ही याद में ये महीना चल रहा है, 11वीं शरीफ का चल रहा है। इस महीने में इनका जो जुलूस निकाला जाता है ये बड़े धूमधाम से निकाला जाता है और पिछली साल भी जो है बड़े धूमधाम से निकाला गया था और इंशाल्लाह इस बार भी बहुत अच्छा निकाला।